मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे देश में जिनकी आज केंद्र में सत्ता है वो भी कट्टरपन को बढ़ावा दे रहे हैं और एक ऐसा माहौल बना दिया है जहाँ कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात नहीं कह सकता। जो बात अब से 600 साल से भी पहले संत कबीरदास जी ने कह दी वो बात शायद आज कोई कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज अगर कह देगा तो उस पर हमला हो जाएगा या उस पर केस बना के जेल में डाल देंगे। लोगों की भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया गया है। देश का सारा धन चंद परिवारों के हाथ में जा रहा है और 10% लोगों के पास देश का 90% संसाधन और धन संपत्ति है और 90% लोगों के पास देश की केवल 10% धन संपत्ति और संसाधन है। ये जो डिस्पैरिटी है ये देश को बांट रही है। ये मार्ग सबके लिए कल्याणकारी मार्ग नहीं है। ये कट्टरपन का मार्ग देश के लिए बेहद खतरनाक है। देश धीरे धीरे उसी दिशा में जा रहा है और अगर इसी तरह कट्टरपन बढ़ता रहा तो भारत की स्थिति भी आने वाले समय में बहुत बुरी होने वाली है। जितना ज़्यादा नफरत बढ़ेगी, जितना ज़्यादा कट्टरपन बढ़ेगा, उतनी बदहाली बढ़ेगी और एक समय आएगा जब पूरी दुनिया कहेगी कि अब हमें शांति की तलाश है, क्योंकि जहाँ शांति होती है वहाँ प्रगति होती है, अल्टीमेटली बुद्ध के धम्म में जाकर पूरी होती है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ बुद्ध का धम्म जो किसी पर दबाव नहीं डालता। सर आज दम्ब भगवंत दिवस है और आज के दिन वर्षावास शुरू होता है और आज के दिन ही बाबा भगवान गौतम बुद्ध ने 5 शिष्यों के साथ दीक्षा दी थी और अपने धम्म का जो प्रचार है वो शुरू किया गया था। क्या लगता है कि आज इस चीज़ की कितनी ज़रूरत महसूस होती है? सबसे पहले तो मैं समस्त दुनिया के लोगों को और भारत के लोगों को भी धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आज इसे वर्षावास भी शुरू हो रहा है उसकी भी शुभकामनाएं देता हूँ। रही बात इसका महत्व कितना है, इसका महत्व जिस तरह पूरे दुनिया में नफरत बढ़ी है, कट्टरपन बढ़ा है, जिन जिन देशों में नफरत बढ़ी है, जिन जिन देशों में कट्टरपन बढ़ा है, वो देश धीरे धीरे तबाह हुए हैं। उनके अंदर मारकाट बहुत भयंकर मात्रा में हुई है। वो देश आर्थिक तौर पर बिल्कुल बर्बाद हो गए। मुझे लगता है उन देशों से, उनके कट्टरपन की वजह से जो बर्बाद हुए है उससे सीख लेने का समय है। और ये जो लोग जो सीख नहीं लेते उसी रास्ते पर चलते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं। जिस रास्ते पर सीरिया चला, सीरिया बर्बाद हुआ। उस रास्ते पर इराक चला, इराक बर्बाद हुआ। उस रास्ते पर अफगानिस्तान चला, अफगानिस्तान बर्बाद हुआ। उस रास्ते पर पाकिस्तान चला, उसकी भी हालत बहुत ख़राब है। श्रीलंका उस रास्ते पर गया तो आज श्रीलंका की हालत आप देख लीजिए। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे देश में जिनकी आज केंद्र में सत्ता है वो भी कट्टरपन को बढ़ावा दे रहे हैं और एक ऐसा माहौल बना दिया है जहाँ कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात नहीं कह सकता। जो बात अब से 600 साल से भी पहले संत कबीरदास जी ने कह दी वो बात शायद आज कोई कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज अगर कह देगा तो उस पर हमला हो जाएगा या उस पर केस बना के जेल में डाल देंगे। लोगों की भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया गया है। तो ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बेशक खुश हो रहे हों, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, बड़े विश्वास के साथ, अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि ये मार्ग सबके लिए कल्याणकारी मार्ग नहीं है। ये कट्टरपन का मार्ग देश के लिए बेहद खतरनाक है। देश धीरे धीरे उसी दिशा में जा रहा है और अगर इसी तरह कट्टरपन बढ़ता रहा तो भारत की स्थिति भी आने वाले समय में बहुत बुरी होने वाली है। इसीलिए आज का दिन ये संदेश देता है कि जिस तरह तथागत बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद आज के दिन ही पहली बार पंचवर्गीय भिक्षुओं को ज्ञान दिया, अपना धम्मोपदेश दिया और उस उपदेश के बाद पूरी दुनिया ने धीरे धीरे उस उपदेश को समझा, बुद्ध के धम्म को समझा और पूरी दुनिया तेज़ी से बुद्ध के धम्म को अपना रही है। मैं बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ जितना ज़्यादा नफरत बढ़ेगी, जितना ज़्यादा कट्टरपन बढ़ेगा, उतनी बदहाली बढ़ेगी और एक समय आएगा जब पूरी दुनिया कहेगी कि अब हमें शांति की तलाश है, क्योंकि जहाँ शांति होती है वहाँ प्रगति होती है और शांति की तलाश अल्टीमेटली बुद्ध के धम्म में जाकर पूरी होती है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ बुद्ध का धम्म जो किसी पर दबाव नहीं डालता, जो लोगों को बांटने की बात नहीं करता, जो लोगों में जहर पैदा नहीं करता, जो लोगों में नफरत पैदा नहीं करता,
जो शांति और खुशहाली की प्रगति की बात करता है, जो सबको समान दृष्टि से देखता है, जो सबके कल्याण की बात करता है, आने वाले समय में पूरे दुनिया के अंदर बुद्ध का धम्म बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और बढ़ रहा है। सर, जिस तरीके से बौद्ध धम्म भारत से शुरू हुआ और भारत में ही इस समय अस्तित्व में बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्या पीछे का राज हो सकता है? राज एक ही है कि भारत में आर्यंस के आने के बाद जिस तरह वर्ण और जाति पर आधारित व्यवस्था बनाई गई और उस व्यवस्था में किसी को जन्म से नीच, किसी को जन्म से ऊंच बना दिया, उस व्यवस्था की वजह से भारत खंडित खंडित हो गया। भारत में चंद लोगों को पढ़ने का अधिकार था, चंद लोगों को व्यापार का अधिकार था, चंद लोगों को शस्त्र धारण करने का अधिकार था, बाकी मेजोरिटी को तो मानवता का दर्जा ही नहीं था, ना पढ़ने का अधिकार, ना संपत्ति का अधिकार, ना व्यापार का अधिकार। इसी वजह से भारत में 90% से ज़्यादा लोग गरीब हैं और गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी नौकरियां जा रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, देश का सारा धन चंद परिवारों के हाथ में जा रहा है और 10% लोगों के पास देश का 90% संसाधन और धन संपत्ति है और 90% लोगों के पास देश की केवल 10% धन संपत्ति और संसाधन है। ये जो डिस्पैरिटी है ये देश को बांट रही है, बहुत तेज़ी से अंदर एक वर्ग क्लास बनती जा रही है जो आने वाले समय में बहुत खतरनाक होगा। जिस तरह सरकारों ने महंगी शिक्षा करके देश के गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से शिक्षा को छीन लिया है, फिर से ठेकेदारी प्रथा लाकर सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज करके हमारे लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते बंद किए हैं, इसमें अगर एक कोई बचा सकता तो एक ही तरीका है, इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब मजदूर किसान, वो सब लोग एकजुट हो जाएं और भारत का संविधान ही उन्हें बचा सकता है। बाकी तो मनुस्मृति तो फिर से वापस आकर सबके अधिकारों को छीनने का काम करने वाली है, तो हमें अगर उससे बचना है तो बाबा साहब के बनाए संविधान को बचाने की तरफ काम करें और बुद्ध के धम्म में जाकर पूरे देश में शांति और मानवता का राज कायम हो, यही हम कामना करते हैं। जिस प्रकार अशोक के समय पर सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता, उस समय पर बौद्ध धर्म ही भारत का मेन धर्म था, मगर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वो पतन की ओर आ गया और आज भी लोग बाग हिंदू कहलाने में ज्यादा पसंद। जब तथागत बुद्ध ने अपने संघ में कम जब तथागत बुद्ध ने अपने संघ में सभी लोगों को, मजदूर है, किसान है, स्त्री है, पुरुष है, दलित है, आदिवासी कोई भी है, सबको अपने संघ में शामिल किया, सबको ज्ञान दिया, सबके कल्याण का मार्ग बनाया, उससे वो ताकतें परेशान हो गई जो लोगों को वर्ण और जाति में बांटती थी, जो देश के सारे संसाधनों पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहती थी। उन लोगों ने मौर्य वंश के अंतिम सम्राट राजा बृहद्रथ की छल कपट से अब से लगभग 2400 साल पहले हत्या की और हत्या करके पूरे देश से बौद्ध साहित्य जलाया, पूरे देश में व्याप्त 84,000 बौद्ध मठों को तोड़ा, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कराई और फिर से जाति और वर्ण पे आधारित व्यवस्था को दोबारा से कायम किया, जिसकी वजह से जो भारत सोने की चिड़िया था उसका वो गौरव हमारे हाथ से चला गया और फिर से भारत खंडित खंडित हो गया। तो मैं तो भारत के सभी लोगों से, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूर, किसान या सब लोग जो मानवता पसंद है, उनसे ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर शांति और विकास चाहते हैं तो इंसानियत को ही सबसे बड़ा धर्म मानिए, सब लोग एकजुट होकर बांटने वाली शक्तियों को कमज़ोर कीजिए और जोड़ने वाली शक्तियों को मजबूत कीजिए। आपने श्रीलंका की बात की कि वहाँ माना जा रहा है कि बौद्ध धर्म था, वहाँ फिर भी हालात स्थिर हो गए, लेकिन भारत में तो नहीं, बौद्ध धर्म था, आप समझो बात को, बुद्ध का धर्म जो तथागत बुद्ध का दिया है उस पर चलेंगे तो सबका कल्याण है, उस मार्ग को छोड़ कर, उस मार्ग को छोड़ के जब कोई साधनों में लिप्त हो जाएगा और संसाधनों को केंद्रित करेगा, लोगों के कल्याण की भावना उसके मन से चली जाएगी और वो ताकत अपने हाथ में लेके हिंसा का रास्ता अपनाएगा तो फिर उसका बर्बाद होना निश्चित है। तो चाहे वो बौद्ध हो, चाहे कोई और हो, जो भी बुद्ध के मार्ग को से भटक जाएगा, जो भी गलत रास्ते पे चला जाएगा, उसका तो नुकसान निश्चित है। भारत तो जा ही रहा है, अब भारत के हालात हो सकते हैं श्रीलंका जैसे? देखिए पूरा देश कह रहा है ये बात तो, कि धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। सर, जिस तरीके से अभी अशोक सम्राट का जो अपना राष्ट्र चिन्ह भी है उसको जिस तरीके से इस समय संसद में स्थापित किया गया, किस दृष्टि से देखते हैं आप? मुझे लगता है कि सरकार को जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो हमारे
अभिलेखों के अंदर छिपा है, जो सारनाथ में है, जो वैशाली में है, सांची में, हर जगह मिलेगा आपको, जो हमारे नोट के अंदर छपा हुआ है, जो हमारे नेशनल आर्काइव्स के अंदर है, उसी को बनाना चाहिए था ताकि ये विवाद ना बने। देखो मुझे लगता है कि उनकी सोच अपनी जगह है, आप लोग उस पे ज़्यादा मुद्दा ना बनाएं। उन्होंने उसको धाड़ता हुआ शेर बना दिया, धाड़ तो ठीक है पर धाड़ किसकी तरफ? जो लोग देश की ज़मीन को कब्जा रही है, चाइना जैसे देश, तो वो धाड़ दिखनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। केवल अपने राष्ट्रीय चिन्ह में धाड़ का चिन्ह बनाने से काम नहीं चलेगा, हमारी देश की भूमि की तरफ जो आंखें गड़ी हैं उनकी तरफ हमें धार बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है यही एक मार्ग है। थैंक यू। सही मानते या गलत? इतना और बता दे। नहीं, मैं तो बता चुका हूँ कैसे इसका विस्तार करो, कितना विस्तार करो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।